विदेशी बाजारों में तेजी के कारण दिल्ली बाजार में सोमवार को सरसों छोड़कर बाकी सभी तेल तिलहनों के भाव में सुधार आया है। सरसों के नए फसल की मंडियों में आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहन के भाव में भारी गिरावट के साथ वे बंद हुए। बाजार सूत्रों ने बताया कि शिकागो एक्सचेंज में सोमवार को छुट्टी थी, जबकि मलेशिया एक्सचेंज में 2.4% की तेजी है। विदेशी बाजारों की इस तेजी का असर घरेलू तेल तिलहन कीमतों पर दिख रहा है। सूत्रों ने कहा कि विदेशी बाजार में तेजी के बावजूद मंडियों में सरसों के नए फसल की आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहन के भाव में गिरावट देखी गई है। मंडियों में सरसों की दैनिक आवक जो लगभग 3 लाख बोरी की थी, वह बढ़कर 5 लाख बोरी हो गई है। सोयाबीन जैसे तेलों से जिस सरसों का दाम 30 से 35 रुपए लीटर अधिक था, सरसों की आवक बढ़ने के बाद अगले कुछ दिनों में सरसों तेल 5 से 7 रुपए लीटर और सस्ता होने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि सरकार को आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तिलहन उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आयातित तेलों के दाम महंगे हुए हैं, आयातित तेलों के भाव ऊंचे बने रहे तो सरसों की पैराई अधिक होगी और इससे रिफाइंड भी बनाया जा सकते हैं। ऐसे में सहकारी संस्था हाफेड और नेफेड को सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर मिलना मुश्किल है, इसलिए उन्हें बाजार भाव से ही सही सरसों की खरीद कर सरसों का पर्याप्त स्टॉक बना लेना चाहिए, जो संकट के दिनों में हमारी मदद करेगा। सहकारी संस्था हाफेड को अपनी पैराई मिलों के लिए भी सरसों की खरीद करनी चाहिए, बाकी तेल तिलहनों के भाव अपवर्तित रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।